अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज का समर चल रहा है और इस कोरोना के टाइम में कोरोना की वजह से लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, और इन गर्मियों में, शदीद गर्मियों में अगर कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो वाह क्या ही बात है। इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, और वो है मैंगो मोहितो, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो मोहितो बनाना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक पका हुआ बेहतरीन आम, इसे हम पील कर लेंगे। मैंगो मोहितो हम आपको दो तरीके से बनाना बताएंगे, तो मेरी रेसिपी को ध्यान से देखते रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बीच बीच में बहुत से अच्छे अच्छे ट्रिक्स देते रहेंगे। आम को हमने छील लिया है, अब इसके टुकड़े करके इसे मिक्सी के ग्राइंडर में डाल के इसका पल्प निकाल लेंगे। ये हमारा चौथा आम है, आपके यहाँ जो भी आम अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम पहले इसका पल्प निकाल के लेकर आते हैं। ये आम को हमने पीस के इसका पल्प निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो इसको हमने हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लिया है, इसको एक साइड में रखते हैं। अब लेते हैं हम दो ग्लास, और ये हमने लिया है कुछ पुदीने की पत्तियाँ, बिल्कुल फ्रेश ताज़ी पुदीने की पत्तियाँ हैं ये, इनको हम डंठल से पत्तियों को अलग कर लेंगे। सारी पुदीने की पत्तियां लेना है, ये बिल्कुल ताजा फ्रेश मेरे गार्डन का लगा हुआ पुदीना है, जिसमें से बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। जो खराब पत्तियां होंगी उन्हें हम निकाल के अलग कर देंगे, सारी डंठल और पत्तियों को अलग अलग कर लेंगे। ये सारी डंठल हमने तोड़ के पत्तियां और डंठल अलग अलग कर लिया है, इसको हम किनारे साइड कर देंगे। और ये एक इमाम जस्ता लेंगे, जो ये पुदीने की पत्तियां हमने डंठल से अलग की थी इसको इसमें डालेंगे। और एक ताजा हरा या पीला जैसा भी नींबू आपके पास अवेलेबल हो ले लें, नींबू रसीला होना चाहिए। पुदीना और नींबू दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें खुशबू से दिमाग अपने आप ही फ्रेश हो जाता है और मन को ताजगी मिलती है। नींबू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसको इमाम जस्ते में डाल के हल्के हल्के हाथों से कूट लेंगे। पुदीना और नींबू को हमने इस तरह से कूट लिया है, अब इसको एक साइड में रखते हैं। हमने दो ग्लास लिए हैं, एक ग्लास में हम स्प्राइट से मैंगो मोहितो बनाएंगे और दूसरे ग्लास में हम क्लब सोडा, जो खारी सोडा जिसे कहते हैं, इससे मैंगो मोहितो बनाएंगे। जिस ग्लास में हमको क्लब सोडा से मैंगो मोहितो बनाना है उस ग्लास में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शक्कर और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। ये शुगर को हमने इसमें घोल के इसका शुगर सिरप तैयार कर लिया है, इसको एक साइड में रखते हैं। एक दूसरा ग्लास लेंगे, दोनों ग्लास में आइस डालेंगे भर के। और जो ये नींबू और पुदीने को हमने इमाम जस्ते में कूटा था ये दोनों में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें नींबू का रस भी डालेंगे।
और दोनों ग्लास में मैंगो पल्प डाल दें। ये मैंगो का कोई स्लाइस आ गया, इसे हम निकाल देंगे वरना ये ग्लास में दातों में आएगा। ये ग्लास को हम मिक्स कर लेंगे और एक ग्लास में हम डालेंगे स्प्राइट। और मिक्स कर देंगे। स्प्राइट मीठी होती है इसलिए हमें इसमें शक्कर या शुगर सिरप डालने की जरूरत नहीं है। जिस ग्लास में हमने खारी सोडा से बनाना है उसमें हम शुगर सिरप डालेंगे। पहले शुगर सिरप डाल के मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर सोडा डालेंगे। ये ग्लास हमारा रेडी हो गया, अब इसको हम रेडी करते हैं। ये शुगर सिरप हमने जो घोल के रख तैयार किया था इस ग्लास में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे ये क्लब सोडा, ये बिल्कुल नॉन अल्कोहलिक होता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खारी सोडा होता है, बिना झिझक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हाथों से चम्मच से मिक्स करेंगे और सोडा डालते जाएंगे। ये हमारा क्लब सोडा से तैयार हुआ मैंगो मोहितो है और ये है हमारा स्प्राइट से तैयार हुआ मैंगो मोहितो। चलिए इसको आप डेकोरेट करते हैं थोड़ा अपने स्टाइल से। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।